नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रियो ओलंपिक से पहले भारत को झटका, सुशील की जगह चुने गए नरसिंह डॉप टेस्ट में फेल। एनएडीए ने की पुष्टि, रियो डी जेनेरियो जाने की उम्मीद हुई खत्म। कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। 4 जिलों से हटाया गया कर्फ्यू, सीएम मुफ्ती से मिला, उच्च स्तरीय बैठक में करेंगे कानून और व्यवस्था पर चर्चा। दिल्ली में महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में आप विधायक अमानतुल्ला गिरफ्तार। केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी ने किया गिरफ्तार। बिहार के बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी अरेस्ट, ट्रेन में 12 साल की लड़की से छेड़खानी का आरोप, पार्टी ने किया सस्पेंड। और विवादित बयान पर दयाशंकर ने फिर मांगी माफी, बीजेपी के खिलाफ अब बीएसपी नहीं करेगी प्रदर्शन। परिवार को सुरक्षा दिए जाने पर दयाशंकर ने सीएम अखिलेश यादव को दिया धन्यवाद। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रशासन ने कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था में मामूली सुधार के मद्देनजर रविवार को घाटी के 4 जिलों में लगा कर्फ्यू हटा दिया है। पुलिस ने पुष्टि करते हुए कहा कि गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों से कर्फ्यू हटाया गया है। राज्य सरकार इन 4 जिलों में स्कूलों को खोलने के आदेश पहले ही दे चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में निजी वाहन सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में नेहरू गेस्ट हाउस में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इन प्रतिनिधियों में लोक समाज, मौलवी, सिख, पंडित समुदाय के सदस्य भी शामिल है। वे सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले कानून और व्यवस्था पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में सीवान के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को हाजीपुर जीआरपी ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की AC2 बोगी A1 में सफर कर रहे थे। उनके बगल के बर्थ पर अपने पिता के साथ सफर कर रही 12 साल की एक लड़की ने एमएलसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में एमएलसी पर FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपना चार्जर निकाल रहे थे, तभी लड़की ने शोर मचा दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही जीआरपी ने हाजीपुर जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय सिंह को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के हाजीपुर में रुकते ही एमएलसी को बोगी से उतार कर जीआरपी थाने लाया गया। हालांकि एमएलसी ने छेड़खानी से इनकार किया है। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई। उनके खिलाफ IPC की धारा 509 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ऊना हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट में ऊना में दलितों की पिटाई और हिंसा के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने लिखा, दलित हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी से साबित होता है कि ये हमले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय सहयोग से हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने गुजरात सरकार पर दलितों का दमन करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में BSP और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई में बीजेपी के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया में सलेमपुर से बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर मायावती ने नसमुद्दीन सिद्दकी को पार्टी से नहीं निकाला तो वो बीजेपी आलाकमान से दयाशंकर सिंह की पार्टी में वापसी की मांग करेंगे। बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि दयाशंकर के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन दयाशंकर के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दकी के खिलाफ मायावती ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर माया नसीमुद्दीन की टिप्पणी को गलत नहीं मानती तो दयाशंकर ने भी मायावती के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है।
री ओलंपिक से पहले भारत को झटका लगा है। ओलंपिक के लिए भारत से रेसलिंग में इकलौता कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। उनके दो सैंपल फेल पाए गए हैं। यादव को सुशील कुमार की जगह चुना गया था। उन्होंने 74 किलोग्राम वेट में सुशील कुमार को बाउट के लिए चैलेंज भी किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर किया था क्वालिफाई। डोप टेस्ट में फेल होने के बारे में अभी आईओए, साई और डब्ल्यूएफआईए समेत खुद नरसिंह ने भी कोई बयान नहीं दिया है। डोप टेस्ट में फ्लॉप होने पर अब उनकी रियो डी जेनेरियो जाने की उम्मीद खत्म हो गई है। फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। 18 साल के नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है। पानीपत के रहने वाले नीरज ने अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलियन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नीरज ने पोलैंड के बेडगोज में हुए मुकाबले में 86.48 मीटर तक भाला फेंका। पहले ये रिकॉर्ड लातविया के जिगी मुंडा क्रियमस के नाम था, जिन्होंने 84.69 मीटर भाला फेंका था। वर्ल्ड लेवल की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज पहले एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद नीरज ने कहा, मैंने जैसे ही दूसरा थ्रो अपने हाथ से छोड़ा, मुझे महसूस हुआ कि ये स्पेशल थ्रो था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं 86 मीटर के आगे फेंक पाऊंगा। मैंने अपनी फिटनेस और टेक्निक पर काफ़ी मेहनत की थी, मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रहा था कि 82-83 तक मैं थ्रो करूँगा और ये सरप्राइज़ है मेरे लिए। और पूरी पीछे जितने भी कंट्रीज़ की टीम थी पूरा चीयर किया और इंडियंस ने भी मेरे को पूरा चीयर किया, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को हौसला आया और मैंने थ्रो अच्छा किया। दिल्ली की पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित अमरोहा पहुंचने से पहले ही बीच यात्रा से दिल्ली को लौट गई। बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण वो गढ़मुक्तेश्वर से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शीला दीक्षित के न आने की सूचना से कांग्रेसियों में मायूसी छा गई। कांग्रेस की संदेश यात्रा दिल्ली से शुरू होकर गाजियाबाद, हापुड़ होते हुए अमरोहा आनी थी। संदेश यात्रा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अभिनेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद आदि दिग्गज यात्रा में शामिल थे। गाजियाबाद और हापुड़ में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कांग्रेस संदेश यात्रा गढ़मुक्तेश्वर के लिए रवाना हुई। इसी बीच शीला दीक्षित की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बीच में यात्रा छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने बताया कि उनका अमरोहा में आना प्रस्तावित था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें बीच यात्रा से ही लौटना पड़ा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर बरसे हैं। कांग्रेस ने एक कार्यक्रम में रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने संघ को एक अवैध संगठन करार दिया। दिग्विजय की माने तो संघ का एक अपंजीकृत संगठन है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि आखिर आरएसएस को मिलने वाले चंदा कहाँ से आता है, खासकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिलने वाला चंदा, इसका लेखा जोखा कहाँ है, ये पता चलना चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि जो संस्था बिना पंजीकरण के चल रही हो, उसे बैन करने के लिए कोई सवाल ही नहीं बनता। कई दफा संघ को बैन करने की बात इसलिए उठ चुकी है क्योंकि संघ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ऊना में दलितों की पिटाई के पीछे भी दिग्विजय ने आरएसएस का हाथ बताया। बता दें कि ऐसा पहली दफा नहीं जब संघ दिग्विजय के निशाने पर आया हो। दिग्विजय सिंह अक्सर संघ को आड़े हाथों लेकर अपनी बात रखते रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, उनके समर्थकों ने विकासपुरी और मीराबाग के बीच बने एलिवेटेड कॉरिडोर को शनिवार को जबरन खोल दिया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका आज औपचारिक उद्घाटन करने वाले थे। एक बयान जारी कर पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विकासपुरी से मीराबाग तक के 3.4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है, क्योंकि निर्माण के लिए धन कांग्रेस ने आवंटित किया था। वहीं पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने जबरन फ्लाईओवर का उद्घाटन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।